हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की टूटने की तारीख हुई तय। लोकसभा चुनाव में जेजेपी के साथ नहीं लड़ेगी बीजेपी। जेजेपी के साथ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है बीजेपी। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के बीच गठबंधन होगा या फिर लोकसभा चुनाव से पहले यह टूट जाएगा, इसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पिछले 6 महीने से दोनों ही ओर से जो बयान आ रहे हैं उससे साफ है कि गठबंधन कभी भी टूट सकता है। जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, लेकिन ये तय है कि लोकसभा चुनाव तक ये टूट जाएगा। बीजेपी के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि अपनी एक भी सिटिंग सीट नहीं छोड़ेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी बीजेपी जेजेपी को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। जबकि जेजेपी की ओर से भी कहा जा रहा है कि वो गठबंधन बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। 3 से कम सीटें अगर बीजेपी देगी तो अलग चुनाव लड़ेंगे। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला जब 18 जुलाई को दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में शामिल हुए तो संकेत मिले कि हरियाणा में अब बीजेपी और जेजेपी की बातचीत फिर से ट्रैक पर आ गई है। दोनों के बीच लोकसभा चुनाव के लिए बात बन गई है, लेकिन जैसे ही दुष्यंत दिल्ली से हरियाणा लौटे फिर से बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी का जेजेपी से गठबंधन सिर्फ सरकार चलाने के लिए हुआ है, चुनाव के लिए नहीं हुआ है। पार्टी ने जेजेपी के साथ मिलकर कोई चुनाव न पहले लड़ा है और न ही आगे लड़ेगी। राज्य में बीजेपी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले ही मैदान में उतरेगी और बीजेपी नेता की बात पर पार्टी ने अपनी मुहर भी लगा दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि जेजेपी अभी एनडीए का हिस्सा है और हरियाणा में सरकार की साझेदार भी है, लेकिन आगामी चुनाव साथ लड़ेगी या नहीं इसको लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। जब फैसला लिया जाएगा तो सबसे साझा किया जाएगा। धनखड़ ने ये संकेत जरूर दे दिए हैं कि हम सीटों को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। दरअसल हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी दोनों ने ही लोकसभा की सभी 10 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी तेज कर दी है। इसे लेकर लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि अगर गठबंधन तोड़ने का ऐलान होता है तो वो बीजेपी की ओर से किया जाए, तो बीजेपी चाहती है कि जेजेपी खुद ही गठबंधन से अलग हो जाए। इसी के चलते अभी तक हरियाणा को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति को साफ नहीं किया है, लेकिन हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव के बयानों को देखें तो ये संकेत साफ मिल रहे हैं कि उन्हें अब जेजेपी की जरूरत नहीं है, ना चुनाव लड़ने के लिए और ना ही सरकार चलाने के लिए। इसके लिए बीजेपी ने बहुमत की व्यवस्था भी कर ली है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें, बहुमत के लिए 46 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी के पास 41 विधायक है। अब निर्दलीय विधायक उनकी सरकार में मंत्री और 4 दूसरे विधायकों का समर्थन भी पार्टी को मिला हुआ है, जिससे साफ है कि अगर जेजेपी जिसके 10 विधायक है हरियाणा की बीजेपी सरकार समर्थन वापस भी लेती है तो सरकार नहीं गिरेगी। जेजेपी को समर्थन वापस लेने की चुनौती तो राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी कई बार दे चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से उनके बयान इसका संकेत भी दे रहे हैं। खट्टर साफ साफ कह रहे हैं कि हरियाणा में इस समय बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार नहीं है, यह सरकार पूरी तरह से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार को जेजेपी ने समर्थन दिया है। खट्टर के बयान से भी साफ है कि हरियाणा में बीजेपी ने जेजेपी से किनारा करने का पूरी तरह से मन बना लिया है और ये गठबंधन अगले साल की शुरुआत में टूट जाएगा। बीजेपी हाईकमान ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है, लेकिन इस समय एनडीए नए दलों को गठबंधन में जोड़ने की कोशिश में है, इसलिए हरियाणा की तस्वीर चुनाव के समय ही साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।